Hello to all my lovely, bright, and cheerful CA Foundation students. Students, you have doubts on what is the difference between offer and invitation to offer. So, I promise that I will make a separate video. Zarur and here I am with a video which, in which we will discuss what is the meaning of offer, what is invitation to offer, how is offer different from invitation to offer.

देख लेते हैं वॉट इज ऑफर पहले वो तो वो पढ़ेंगे देन वॉट इज इन्विटेशन टू ऑफर एंड वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑफर एंड इन्विटेशन वी विल बी डिस्कसिंग दिस विद एग्जाम्पल्स नाउ वॉट इज द मीनिंग ऑफ ऑफर सी ऑफर इज़ वेरी डेफिनेट इट इज वेरी क्लियर इट कैन बी आइदर एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड इमिजिएटली लाइक से फॉर एग्जाम्पल आई आस्क यू डू यू वॉन्ट टू बाय दिस पेन फॉर हंड्रेड रुपीज you can either accept or reject this offer immediately so this is an offer but what if i ask you i want to buy 3 pens which look same okay i want this three red color pens i want three in number tell me at what price you will supply because i am buying three so you'll give me some discount right tell me at what price you will sell it to me now over here i am asking you to make an offer this is nothing but invitation to offer so what is offer offer is very definite it is very clear it can be accepted or rejected immediately whereas invitation to offer invites offer from the other person one more example and then we will read the points let's say that i ask you do you want to buy this mouse for 500 rupees अब मैं आपको पूछ रही हूं डू यू वॉन्ट टू बाय दिस माउस फॉर फाइव हंड्रेड रुपीज़ दैट्स एन ऑफ़र आप उसे इमिजिएटली या तो एक्सेप्ट करोगे या रिजेक्ट कर दोगे देन वट इज़ इन्विटेशन टू ऑफर सपोज़ मैं किसी मैन्युफैक्चरर के पास जाती हूँ और मैं उनसे पूछती हूँ कि मुझे पांच माउस खरीदने हैं बताओ क्या प्राइस पे मुझे दोगे so here what I am doing I am asking him to tell me at what price he is ready to sell me then I will decide whether I want or not so when I am asking the other person to make an offer that is invitation to offer तो अगर मैं पूछती हूँ मुझे ये mouse बेचना है बोलो क्या price में खरीदोगे that is an offer लेकिन अगर मैं सामने वाले को पूछती हूँ तुम बताओ तुम क्या price में मुझे बेचोगे फिर मैं डिसाइड करूँगी दैन एम इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम दी अदर पर्सन दैट इज़ इनविटेशन टू ऑफर चलो फटाफट इसके पॉइंट्स पढ़ लेते हैं वॉट इज़ ऑफर ऑफर इज़ वेरी डेफिनेट इट इज़ वेरी क्लियर इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू टू अ कॉन्ट्रैक्ट इमीजिएटली इट कैन कन्वर्ट योर इंटेंशन इंटू अ कॉन्ट्रैक्ट सो यू कैन आइदर एक्सेप्ट और रिजेक्ट एज सून एज इट इज़ मेड अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा अगर आपने बोला नहीं मुझे ये माउस नहीं खरीदना मुझे ये पेन नहीं खरीदना तो फिर मेरा ऑफर रिजेक्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट बनेगा ही नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट इमिजिएटली बन सकता है एज सर्क्यूलेशन ऑफ ऑफर मैं सिर्फ इन्फॉर्म कर रही हूं आई एम एक्सपेक्टिंग द ऑफर फ्रॉम द अदर पर्सन इट इज एन अटेम्प्ट टू इंड्यूस इट इज टू कॉल ऑफर आई एम एक्सपेक्टिंग दी ऑफर फ्रॉम दी अदर पर्सन फिर वो ऑफर देगा मैं एक्सेप्ट करूंगी सो कैन आई से इन्विटेशन टू ऑफर कम्स बिफोर एन ऑफर आई एम इन्वाइटिंग ऑफर देन समन विल गिव दफर तो सीक्वेंस की अगर हम बात करें इन्विटेशन टू ऑफर पहले आता है उसके बाद ऑफर आता है इट इज़ एन ऑफ़र विच इज़ मेड विद य इंटेंशन टू नेगोशिएट मोर ऑफर्स मैं बुलाना चाहती हूँ कि अच्छा मुझे तीन पेन खरीदने हैं बताओ क्या प्राइस में दोगे मुझे पांच माउस खरीदने हैं बताओ क्या प्राइस में दोगे ऑफर आई एम आस्किंग फॉर नेगोसिएशन ऑफ दिन टू ऑफर अब स्टूडेंट्स अगर आपको क्वेश्चन में देन इट इज अंट दैट दे आर टॉकिंग अबाउट इन्विटेशन टू ऑफर चलो इन्विटेशन टू ऑफर के और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं ऑप्शन दैट इज ऑल्सो इन्विटेशन टू ऑफर तो मैंने अनाउंस कर दिया अरे भाई सुनो संडे ऑप्शन है सब लोग आ जाना Is that an offer? No, I am asking the other person to give the offer. तो so, मैंने सिर्फ अनाउंस कर दिया भाई auction है सब लोग आ जाना फिर लोग आएंगे वो बिडिंग करेंगे दैट बिड इज एन ऑफर विच विल बी either एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड by द ऑप्शन Prospectus आप कॉलेज में एडमिशन लेने चले जाते हो तो आपको कॉलेज वाले प्रॉस्पेक्ट देते हैं दैट prospectus इज nothing नथिंग बट एन इन्विटेशन टू ऑफर कि भाई हम तो ये सारे कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं तुमको कोई कोर्स के लिए एनरोल करना है तो बता दो फिर आप एप्लीकेशन करते हो आप स्टूडेंट एप्लीकेशन करते हो दैट इज ऑफर विच इज एक्सेप्टेड बाय द कॉलेज तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनता है विंडो डिस्प्ले सब कुछ डिस्प्ले पे पड़ा है वहां पर दैट विंडो डिस्प्ले इज नथिंग बट एन इन्विटेशन टू ऑफर कि मैं ये चीजें बेच रहा हूं तुमको खरीदना है तो बताओ फिर हम जाते हैं वहां पर और शॉपकीपर को पूछते हैं कि भैया मुझे ये खरीदना है आप सेल करोगे तो फिर वो हमारा ऑफर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देगा कैटलॉग किसी प्रोडक्ट की कैटलॉग देखी है आपने तो वो प्रोडक्ट कैटलॉग में प्रोडक्ट की इमेज दी होती है डिस्क्रिप्शन दिया होता है वहां पे प्राइस दिया होता है इट इज इनवाइटिंग ऑफर्स फ्रॉम पब्लिक भाई हम ये बेच रहे हैं तुमको खरीदना है तो बताओ द कस्टमर गिव्स ऑफर मुझे ये खरीदना है इसके दस पीसेस चाहिए यस yes, सर हमारे पास अवेलेबल है तो कस्टमर का दिया हुआ ऑफर एक्सेप्ट हो गया अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि हमने वो कैटलॉग दी सामने वाले ने पूछा मुझे इसके पचास पीसेस चाहिए नहीं सॉरी सर पचास तो नहीं है हमारे पास तो वो कस्टमर का दिया हुआ ऑफर रिजेक्ट हो गया तो कैटलॉग दिखाकर हम लोगों से इन्वाइट करें भाई तुम बताओ तुमको कितने खरीदने हैं तुम ऑफर दो फिर वो शॉपकीपर उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर देगा कोटेशन अच्छा मुझे ना वन लाख सीमेंट बैग्स खरीदने हैं तो मैं सप्लायर्स को कॉल करती हूँ देखो मुझे वन लाख सीमेंट बैग्स खरीदने हैं तुम बताओ क्या बेस्ट प्राइस में तुम मुझे सप्लाई करोगी तो ऐसे एक्स वाई जेड पी क्यू आर तो एक्स वाई जेड पी क्यू आर ये सारे सप्लायर्स हैं उन्होंने अपना प्राइस बताया मुझे जेड का प्राइस सबसे अच्छा लगा मैंने उसका ऑफर एक्सेप्ट कर लिया तो जब हम कोटेशंस मंगवाते हैं दैट इज़ नथिंग बट इन्विटेशन टू ऑफर फिर जो सप्लायर्स हैं दे गिव दी ऑफर विच इज एक्सेप्टेड बाय द कंपनी जो कोटेशंस मंगवा रहा है वो एक्सेप्ट करेगा तब जाके कॉन्ट्रैक्ट बनेगा तो स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्विटेशन टू ऑफर पहले आया सामने वाली पार्टी ने ऑफ़र दिया फिर हमने उसे एक्सेप्ट कर लिया अच्छा ये ना एक बहुत ही कॉमन uh, एग्जाम्पल है जो एग्जाम में भी आता है इस पे रिलेटेड केस लॉज भी हैं मैं आपको क्वेश्चन पूछती हूँ आप सोचो और दे, देखो इसका आंसर क्या होगा देन व्हेन वी डिस्कस तब आप सोच लेना कि भाई जो आप सोच रहे थे वो करेक्ट है कि नहीं ओके okay? तो इट इट वी लाइक अ स्मॉल टेस्ट इज डिस्प्ले ऑफ गुड्स एन ऑफर ये बहुत ही कॉमनली आस्ड क्वेश्चन है जैसे हम सुपरमार्केट में चले गए ठीक है तो ये सब डिस्प्ले पे पड़ा है वहां पर इज इट एन ऑफर और इज इट इनविटेशन टू ऑफर सोचो अच्छा अगर आप बोलते हो कि ये ऑफर है ये तो जनरल ऑफर है ना सी डिस्प्ले पे सब कुछ पड़ा है वहां पर प्राइस भी लिखा हुआ है उसको दैट इज एन ऑफर इट्स अ जनरल ऑफर माय डियर स्टूडेंट्स अगर आप ऐसा बोलते हो तो आपका आंसर गलत है और अगर आपने कहा कि ये इनविटेशन टू ऑफर है तो आपका आंसर सही है अब ऐसा क्यों है देखो अगर मैं बोलूं कि ये जो भी डिस्प्ले पे पड़ा है ये ऑफर है तो इसका मतलब है कि आप जब कार्ट लेकर जाते हो कुछ भी अपने बास्केट में डाल देते हो वो एक्सेप्टेंस हो गया और वो खरीदना ही पड़ेगा अब सोचो आप अपनी मम्मी के साथ गए हो शॉपिंग करने ठीक है अब मॉल में तो हमें बहुत मजा आता है सुपर मार्केट में शॉपिंग करने में हम तो कितनी चीजें डालते रहते जूस भी डाल दिया अब बिस्किट भी डाल दिए चॉकलेट्स भी डाल दिए चिप्स भी डाल दिए पार्टी करेंगे फिर मम्मी आती है एक एक चीज निकलवाती नहीं बेटा ये सेहत के लिए अच्छा नहीं है ये तो घर पे कितना पड़ा है ना अरे ये क्यों खरीदना नहीं नहीं ये बहुत एक्सपेंसिव है दूसरी दुकान में चलते दूसरे आगे चलते हैं काउंटर में कितनी सारी चीजें तो वो निकलवा देते हैं ना अगर आप बोलोगे कि नहीं ये जो डिस्प्ले है ये ऑफर है तो जैसे ही आप बास्केट में डाल दोगे तो एक्सेप्टेंस होगा आपको खरीदना ही पड़ेगा लेकिन ऐसा तो होता ही नहीं है हमारी मम्मी तो कितने कन्वीनियंटली वहां पर जाके शेल्फ पे फिर भी रख आती है तो प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है ना तो प्रैक्टिकली सोचो क्या ऑफर है फिर आपने बास्केट में डाल दिया एक्सेप्टेंस है खरीदना ही पड़ता नहीं ऐसा तो नहीं होता है डिस्प्ले इज ओनली एन इन्विटेशन टू ऑफर कि भाई हम ये सब चीजें बेच रहे हैं इस प्राइस पे बेच रहे हैं तुमको खरीदना है तो बताओ फिर आप चीजें डालते हो उसे कैशियर के पास लेकर जाते हो दैट इज ऑफर फिर कैशियर उसे बिल कर देता है दैट इज एक्सेप्टेंस अच्छा कैशियर एक्सेप्ट या रिजेक्ट भी कर सकता है वो आपको ये भी बोल सकता है सर ये तो आप एक्सपायर्ड गुड्स ले आए अरे सर ये तो डिस्प्ले पीस था ना ये सेल वाला नहीं है तो उसने आपका ऑफर रिजेक्ट कर दिया तो स्टूडेंट्स एक्सेप्टेंस का जो पॉइंट है कॉन्ट्रैक्ट बनने का जो पॉइंट है वो कैशियर के पास है वो एक्सेप्ट करेगा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा वो रिजेक्ट कर देगा आपका ऑफर रिजेक्ट हो गया कॉन्ट्रैक्ट बना ही नहीं सो डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज नॉट एन ऑफर नो दिस इज नॉट एन ऑफर इनफैक्ट डिस्प्ले ऑफ गुड्स इज जस्ट एन इन्विटेशन टू ऑफर अच्छा अगर ये इन्विटेशन टू ऑफर है तो मैं क्या लिखूँ ऑफर कौन देता है बताओ अगर मुझे सही आंसर लिखना है तो फिर ऑफर कौन देता है द ऑफर इज गिवेन बाय द कस्टमर एंड इट इज रिजेक्टेड रिजेक्टेड में हम क्या लिखें सॉरी इट इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड वो एक्सेप्टेंस की पॉइंट कब आएगी जो एक्सेप्टेंस की पॉइंट है दैट विल बी एट द कैशियर वो कैशियर के यहाँ पर या तो एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट हो जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट बनने का पॉइंट कब है कैशियर के पास वो पॉइंट पे कॉन्ट्रैक्ट बनता है ठीक है आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू ये एग्जाम्पल्स हैं ये हमने सारे डिस्कस कर लिए अच्छा वॉट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर बहुत बार ऐसे होता है ना कि हम एग्जाम uh, में ये जान नहीं पाते हैं कि वो ऑफर है या इन्विटेशन टू ऑफर है कभी एग्जाम्पल पढ़ते हो तो हमें ऑफर लगता है कभी वो इन्विटेशन टू ऑफर लगता है सो वॉट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर स्टूडेंट द ट्रू टेस्ट इज द इंटेंशन विद विच द स्टेटमेंट इज मेड आपको यह देखना है किस इंटेंशन से वो स्टेटमेंट बोली गई है नाउ इफ द इंटेंशन इज कि भाई तुम या तो उसे एक्सेप्ट या रिजेक्ट इमिजिएटली कर दो तो वो ऑफर है तो मैं यहां पर और नोट्स लिख देती हूं इफ द इंटेंशन इज दैट इट कैन बी एक्सेप्टेड इमिजिएटली ठीक है आप उसे इमिजिएटली एक्सेप्ट कर सकते हो तो फिर ये ऑफर है डू यू वॉन्ट टू बाय दिस पेन आप यस yes या नो no, इमीजिएटली बोल सकते हो येस yes बोला तो सेल हो जाएगी तो वो ऑफर है लेकिन इफ इट इज इफ इट कैन नॉट बी एक्सेप्टेड इमिजिएटली देन इट इज इंटेंशन द इंटेंशन इज दैट इट इज इन्विटेशन टू ऑफर सो इफ द इंटेंशन इज टू इनवाइट ऑफर फ्रॉम द अदर पर्सन देन दिस इज नथिंग बट इन्विटेशन टू ऑफर तो अगर मैं पूछती हूं मुझे इसके पांच पीसेस चाहिए बताओ क्या प्राइस में दोगे तो मैं सामने वाले को बोल रही हूं तू ऑफर दे क्या प्राइस में मुझे यह बेचेगा फिर मैं डिसाइड करूंगी मुझे खरीदना है या नहीं खरीदना देन देट इज इन्विटेशन टू ऑफर यही सेम चीज देखो इंटेंशन यहां पर भी है इंटेंशन है कि हम कस्टमर्स को बोले ये सब हम बेचने को तैयार है तुम बताओ तुम क्या खरीदोगे तो फिर वो ऑफर देता है मुझे मैगी खरीदनी है मुझे केलॉग्स खरीदनी है मुझे दाल खरीदनी है दैट इज ऑफर तो वॉट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ इन्विटेशन टू ऑफर इट इज द इंटेंशन विद विच द ऑफर इज मेड विद विच सच स्टेटमेंट इज मेड नाउ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्प स्टूडेंट्स अगर आप मॉड्यूल पढ़ोगे ना तो उसमें यह वाला एक पॉइंट है जो मुझे लगता है इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम दिस कैन बी आस्ट इस पे क्वेश्चन आ सकता है और मैंने एग्जाम्पल भी दिया पर स्टेटमेंट ऑफ द लोएस्ट प्राइज एट विच द वेंडर इज विलिंग टू सेल दैट इज नॉट एन एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू एट द प्राइज टू द पर्सन मेकिंग द इंक्वायरी हा क्या क्या लिखा है यहां पर कंफ्यूजिंग लगता है ना लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए चलो इसको मैं सिंपलीफाई करके बता देती हूं आपको अ मियर स्टेटमेंट ऑफ द लोएस्ट प्राइस एट विच द वेंडर इज विलिंग टू सेल मतलब सेलर तुम्हें अपना लोएस्ट प्राइस बता रहा है कि मैं ये प्राइस पे बेच बेचूंगा दैट इज नॉट एन एम्प्लाइड ऑफर दैट इज नॉट एन एम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एट द प्राइस टू द पर्सन मेकिंग द इंक्वायरी चलो एग्जाम्पल से समझ लेते हैं आप सब्जी खरीदने चले गए कितना कॉमन एग्जाम्पल है ना देखो आप सब्जी खरीदने चले गए आपने पूछा भैया टमाटर कितने के दिए उसने आपकी तरफ देखा अस्सी रुपया किलो दैट डजेंट मीन ही इज रेडी टू सेलेट एटी रुपीज आप उसको ये नहीं बोलते भैया चलो एक किलो बांध दो वो बोलते नहीं मुझे आपको नहीं बेचना आप बहुत बार्गेनिंग करते हो वो मना कर देता है आपने उससे क्या पूछा भैया टमाटर कितने के दिए उसने आपको सिर्फ रिप्लाई किया 80 रुपीज के दिए मैंने उसने आपके क्वेश्चन का सिर्फ आंसर दिया ही जस्ट रिप्लाई टू योर क्वेश्चन दैट मीन दैट ही इज रेडी टू सेल इट एट दैट प्राइस ही मे ऑल्सो से नो आई डोंट वॉन्ट टू सेल इट टू यू सो मेयर स्टेटमेंट ऑफ द लोएस्ट प्राइस दिस इज द प्राइस एट विच आई एम रेडी टू सेल दैट डजेंट मीन दैट यू कैन से ओके आई वॉन्ट टू बाय गिव इट टू मी नो then you will ask me ma'am what will be the sequence when will this be a contract now you ask him at what price will you sell these tomatoes he says 80 rupees per kg so you tell him okay please give me it please give me 1 kg of tomatoes he says yes i will give you 1 kg of tomato he starts weighing it that is offer तो आप जब उससे बोलते हो कि भैया मुझे एक किलो टमाटर चाहिए वो वजन करना शुरू कर देता है और बैक कर देता है मतलब उसने आपका ऑफर एक्सेप्ट कर दिया चलो रिजेक्शन की बात करते आप उसने आपने उससे पूछा भैया कितने के दिया टमाटर उसने बोला एट्टी रुपीज पर के आप बोलते हो ठीक है एक किलो दे दो नहीं देना मैडम आपको नहीं देना बस आप फिर बाद में बहुत बार्गेनिंग करोगे वो रिजेक्ट भी कर सकता है आप उसको बोलो एक किलो दे दो क्योंकि उसको पता है आप वजन करवाने के बाद ना बार्गेनिंग करना शुरू कर दोगे आप बोलोगे नहीं नहीं ये तो सर चल, चल दो एक्स्ट्रा और डाल दे नहीं नहीं अभी एक किलो नहीं मुझे तू साथ में मिर्ची भी फ्री में दे दे तो वो आपका ऑफ आपका जो ऑफर uh, है वो रिजेक्ट भी कर सकता है सो जस्ट बिकॉज ही इज गिविंग अ स्टेटमेंट ही इज आंसरिंग योर क्वेश्चन दैट इज नॉट एन ऑफर दैट इज़ नॉट एन इंटेंशन टू एंटर इन कॉन्ट्रैक्ट विद यू दट डजेंट मीन दट ही हैज़ एक्सेप्टेड योर ऑफर अच्छा स्टूडेंट्स आई होप ये सेंटेंस आपको क्लियर हो गया होगा जस्ट आंसरिंग द क्वेश्चन दैट दिस इज द लोएस्ट प्राइस एट विच आई एम रेडी टू सेल दैट इज नॉट एन इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एट द प्राइस टू द पर्सन मेकिंग द इंक्वायरी तो मेरे हिसाब से आपको ये स्टेटमेंट लिख लेनी चाहिए Uh, आपके नोटबुक में मार्क दिस इंपॉर्टेंट ये मॉड्यूल में भी है वहाँ पर भी मार्क कर सकते हो तो एक क्विक रिकैप हो जाए हमने क्या पढ़ा उसका एक क्विक रिकैप कर लेते हैं कि ऑफर बहुत ही क्लियर होता है डेफिनेट होता है वेर एज इन्विटेशन टू ऑफर सामने वाली पार्टी से ऑफर मंगवाता है तो नेगोशिएट ये वर्ड हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दिस इज अंट दैट इट इज इन्विटेशन टू ऑफर दूसरी चीज जो हमें याद रखनी है इज कि ऑफर है या इनविटेशन टू ऑफर है ये सब इंटेंशन पे डिपेंड करता है अगर मेरा इंटेंशन है कि सामने वाली पार्टी उसे इमिजिएटली एक्सेप्ट कर ले देन दैट इज ऑफर अगर मेरा इंटेंशन है कि नहीं सामने वाली पार्टी मुझे ऑफर दे देन दैट इज इनविटेशन टू ऑफर एग्जाम्पल्स में हमने किया था ऑक्शन, प्रोस्पेक्ट विंडो डिस्प्ले कोटेशन दे आर ऑल इन्विटेशन टू ऑफर फिर मैंने आपको ये भी बताया था दैट डिस्प्ले विंडो डिस्प्ले इज़ ओनली एन इन्विटेशन टू ऑफर कस्टमर गिव्स द ऑफर विच इज़ एक्सेप्टेड बाय द कैशियर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी एग्जाम के लिए अमीयर स्टेटमेंट टू सेल एट द लोस्ट प्राइज इज एट विच द वेंडर इज विलिंग टू सेल दैट इज़ नो इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट टू सेल एट द प्राइस टू द पर्सन मेकिंग द इंक्वायरी इससे रिलेटेड एक और केस लॉ भी है एक्चुअली हार्वी वर्सिज फेसी तो उसमें भी ऐसा ही है जहां पर वो पूछता है विल यू सेल द बम्पर हॉल पेन टेलीग्राफ द लोएस्ट कैश प्राइस तो वो सिर्फ उसके टेलीग्राफ करके क्वेश्चन का आंसर देता है दैट डजेंट मीन ही इज रेडी टू सेल एट दैट प्राइस वो तो सिर्फ आपके क्वेश्चन का आंसर दे रहा था आप उसको ये नहीं बोलते हाँ मैं ये प्राइस पे खरीदने को तैयार हूं उसने तो सिर्फ आपके क्वेश्चन का आंसर दिया दैट्स नॉट एन ऑफर यू कैंट एक्सेप्ट इट सो ओवर हियर इम्पोर्टेंट फॉर एग्जाम आई होप आपने ये नोटबुक में लिख लिया होगा तो जिस स्टूडेंट ने इसकी रिक्वेस्ट की थी आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स अगर आपको कोई भी दूसरे कॉन्सेप्ट के चाहिए कि मैं वीडियो करूँ तो प्लीज मैंशन इन द कॉमेंट बॉक्स एंड आई विल डेफिनेटली मेक अ वीडियो ऑन दैट कॉन्सेप्ट